It can be done in two ways. First is private placement, another is general public sector. Private placement, securities are issued to specific people who are buying capital, while in general public subdivision, securities are issued to general people. In general public subdivision, there are two methods: appointment of underwriter and directly by company. After that, he saw the capital form, capital structure. He checked two things: size capital and period of capital. That capital is the whole capital of the organization or company, and period of capital, capital is used to that. Now, finding and underwriter. Underwriter are all small and broken. They are all over the world, and they go as a mission, lete hain, iske agar wo hamara शेयर्स की पच्चीस लोग सेल करते हैं। अगर हम स्टॉक एक्सचेंज में शेयर को पच्चीस सेल करते हैं तो उसके लाजमी हमारे पास एक अकाउंट होना चाहिए। वो अकाउंट हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें नॉन टारगेट कंडीशन होती है जिसमें जहाँ पर इन्वेस्टर कौन सा है वो किसी के साथ शेयर्स की पच्चीस लोग सेल कर सकता है। अकाउंट की तरह मैनेज किया जा सकता है। एक बेसिक थ्रू ब्रोकर होता है, एक थ्रू कार सर्विस होता है, आखिर में ऑनलाइन मैनेजमेंट के जरिए इसमें टर्म एंड कंडीशन डिफरेंट है। जैसा कि एक इन्वेस्टर है उसको जब वो खुद कॉन्टैक्ट करेगा अपने एजेंट के साथ, ग्राहक के साथ खुद कॉन्टैक्ट करेगा, उसको गारंटी किसी किस्म की गारंटी दी जाएगी कि इसमें उसको लॉस हो सकता है या प्रॉफिट हो सकता है। और वो अपना अकाउंट कौन सा वीकली चेक करता रहे स्टॉक एक्सचेंज में कि उसने जो सिक्योरिटी बाई किया और सेल किया वो उसने ब्रोकर को कहा है वो ही हुआ है या उसके मुताबिक नहीं हो सकता। ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग एंड हैंडलिंग स्टॉक एक्सचेंज नवा स्टॉक एक्सचेंज में कोई ऑनलाइन मैनुअल नहीं होता है, इसमें फॉर्म माइनुअल करते हैं, ऑनलाइन ऑपरेशन यूज करते हैं। ऑनलाइन ट्रेड ब्रोकर हाउस में होती है और उसमें टोटली इस बात करता है जो बैंक के जरिए जिसमें हमारा अकाउंट है वहाँ से हमारे पेमेंट जो होती है वो एक ट्रांसफर होती है और उसका प्रॉफिट और लॉस हम हमारे उसी अकाउंट से अदा हो जाता है। स्टॉक एक्सचेंज में अमूमन दो ट्रेंड हो जाते हैं, एक बेयर ट्रेंड होता है, दूसरा बुलिश ट्रेंड होता है। बुलिश ट्रेंड में इन्वेस्टर कौन से होते हैं वो अपने शेयर कौन से हैं मार्केट से बाय कर लेते हैं। बाय इसलिए करते हैं कि फ्यूचर में उनको कहाँ सकता है कि इनकी प्राइसेस राइज होगी और ये इसमें मुनाफा कमा सकेंगे। और जो बियर ट्रेंड है इसमें वो अपने इन्वेस्टर अपने सिक्योरिटी कौन सी वो सेल कर लेते हैं क्योंकि उनको नज़र आ रहा होता है कि फॉरकास्ट होते हैं फ्यूचर में देखते हैं उनको नज़र आ सकता है कि ये कंपनी कौन सी है ये नीचे जा रही है और इसमें हमें लॉस हो सकता है। मार्केट कैपिटल स्टॉक एक्सचेंज में 2006 से 2007 में 3,000 बिलियन रुपीज कैपिटल कम से इंक्रीज जो उसके बाद 2008-09 में ये डिक्रीज कर गया था 1500 बिलियन और अब 2009-2010 में ये इंक्रीज करना शुरू हो गया। अब ये मुख्तलिफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ये अपने स्टूडेंट्स को संभाल स्टॉक एक्सचेंज और मुख्तलिफ लावर स्टॉक एक्सचेंज और प्रेस स्टॉक एक्सचेंज का विजिट कराते हैं और इनके जनरल कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स का कोर्स में इसको डाला गया, लेकिन इस लिस्ट में हमारी फेडरल यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है। ये अब या हमारे टीचर बता सकते हैं इसमें इसका नाम क्योंकि या फिर हमारी मालिक बता सकते हैं हमारे विजिट इसका नाम इसी जब नई लिस्ट बनी थी इसका नाम यूनिवर्सिटी का नाम।